हजार बहाली हुई है और आने वाले समय में फिर 1,25,000 बहाली होने जा रही है, जिसकी घोषणा माननीय नेता ने दिन गांधी मैदान में किया है कि हम 2 महीने के अंदर इसको प्रयास करेंगे कि ये खत्म हो जाए। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सी बहालियां आई है। जापता माननीय नेता ने सभी विभागों की रिक्तियों को देखा है, बजट के प्रावधान को देखा है कि हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, दूसरे दल क्या कह रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं। हमारे नेता ने जनता से जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को हमारे नेता पूरा कर रहे हैं। हम बस उतना ही जानते हैं। हमने जनता के बीच चुनाव में जाने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में हमारी ये घोषणा थी, हमने उस घोषणा के अनुरूप 15 अगस्त को माननीय नेता ने अपने भाषण में उसको इनकॉर्पोरेट किया और उसको हम जमीन पर उतार रहे हैं। अब कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग तो अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है। देश के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी एक विज्ञापन में 1,20,336 बहाली नहीं की गई। ये नीतीश कुमार की सरकार है जिसने किया है। हमसे भी पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नीतीश जी की भी पहले बहुत से नेता हुए। बेरोजगारी की समस्या पहले भी उतनी ही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेता ने सोच के साथ ये कार्यक्रम को किया है। इसलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहना चाहेंगे कि दो चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई थी, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा था, महंगाई उनका दूसरा बड़ा मुद्दा था। 500 रुपये सिलेंडर के ऊपर ये लोग सर के ऊपर सिलेंडर लेकर के घूमते थे और कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज 1,100 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कहते। आज जब अरहर का दाल 60-65 रुपये किलो था, तब ये कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज अरहर का दाल 180 रुपये किलो हो गया है। तो आखिर में ये जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये अच्छी बात है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। हम सब भगवान राम को मानते हैं, रोम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन धर्म अपनाने की चीज है, धर्म साधने की चीज है, धर्म तपस्या की चीज है, धर्म राजनीति की चीज नहीं है। आप वोट लेते हैं, मतदान लेते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, जिन चीजों के लिए आपने जनता से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या हुआ? ये अच्छी बात है कि भगवान रामलला की मूर्ति बन रही है, जिस दिन मूर्ति बनेगा महीना 2 महीना के अंदर हम भी जाएंगे रामलला को प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर उस दिन जो SC ST का बैकलॉग था, जो SC ST का बेरोजगारी का जो बैकलॉग था, अगर उस दिन रामलला के साथ साथ पूरे राज्यों में बेरोजगारी के लिए रोजगार सृजन का भी काम होता, महंगाई को खत्म करने के लिए सरकार किसी योजना की घोषणा करती, तो एक अच्छी बात होती। रामलला के साथ साथ रोजगार, महंगाई के पर नियंत्रण, तो देश को लगता कि यह सरकार हमारी भी चिंता करती है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर, चंदन, टीका, टोपी, रुद्राक्ष, क्या इससे जो गरीब का बच्चा जो सुअर के बच्चे के साथ सो रहा है, जो गरीब का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ सो रहा है, उसका पेट भरेगा? सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन सब चीजों का भी जवाब देना चाहिए।